झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर स्थिति अस्पष्ट होना है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर रार ठन गई है और रार ठन गई है राष्ट्रीय जनता दल ने 20 से 21 सीटों पर झारखंड में अपना जनाधार बताते हुए दावा कर दिया है और अकेले चुनाव लड़ने की बातें भी राजद की सामने आ रही हैं और आज तक का अल्टीमेटम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दे दिया गया है। आज भी एक अहम प्रेस वार्ता होनी है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और इस प्रेस वार्ता पर अब जाकर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्या कुछ घोषणा की जाती है, क्या गठबंधन में बात बनेगी या राजद अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। तमाम परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको और अधिक हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। अमित, गठबंधन में सीटों पर रार दिख रहा है पिछले कई दिनों से। तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, राहुल गांधी पहुंचते हैं, बैठकें होती हैं, विचार विमर्श होता है, मंथन होता है, लेकिन आखिरकार अमित सीटों पर रार अभी भी बरकरार है और राजद ने जो अब अल्टीमेटम दे दिया है, अमित उसका कितना असर होता हुआ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल नवीन, जिस प्रकार से कल मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरजेडी के तरफ से और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड में आरजेडी यानी कि 62 सीटों पे कांग्रेस को और जेएमएम को सपोर्ट करेगी, वहीं 19 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था सुबह 11 बजे, लेकिन किसी कारणवश 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो समय है वो 1:30 बजे के करीब कर दिया गया है। बता दें कहीं ना कहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर के, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा सब कुछ कि आरजेडी किसके साथ चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी या फिर जेएमएम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी। यह काफी अहम जो है प्रेस वार्ता है। अब ऐसे में तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं वो उनकी निगाहें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर टिकी है कि आरजेडी के आला कमान आखिर क्या फैसला लेते हैं। लगातार हेमंत सोरेन और कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुलाम अहमद मीर, हेमंत सोरेन है, तमाम लोग जो है तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जो तानातानी है इस आरजेडी और जेएमएम कांग्रेस के बीच में उसे दूर कर दिया जाए। वहीं इसी बीच जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं आज पुनः अपना नामांकन दर्ज करने को लेकर के भी उनकी बात जो है सामने आ रही है कि वो गढ़वा से चुनाव लड़ने की बात है और वो इस बार नॉमिनेशन करने वाले हैं आज। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटों का बंटवारे को लेकर के जो कलह चल रही है आरजेडी और कांग्रेस जेएमएम के बीच में, अब इसे में कांग्रेस के ऊपर दाव छोड़ दिया गया है कि अब क्या कुछ किया जाए। वहीं आरजेडी अपना रुख जो है और तेवर उसका जो है वो और सख्त होते जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आरजेडी अपने बूते भी चुनाव लड़ सकती है और उन्होंने कल भी क्लियर भी कर दिया कि 62 सीटों पर हमारी जो है हम लोग जो है मदद करेंगे जेएमएम और कांग्रेस को, लेकिन बाद बाकी जो 19 सीटें बची है 19 सीटों पर हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। साथ ही बात यह भी आ रही है कि लगातार नेता तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम के, और बातें जो है कहीं ना कहीं बनते हुए नहीं दिख रही है। हालांकि आज की जो प्रेस वार्ता है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है, अहम इस नज़रिए से भी है क्योंकि अब समय बहुत कम है और सीटों के बंटवारे को लेकर के अब क्लियर अभी तक नहीं हो पाया। वही उम्मीदवारों की भी सूची तय करनी पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो फिलहाल बरकरार है। जैसा कि आपने बताया कि अभी कई चीजों पर सस्पेंस बरकरार है, तेजस्वी यादव को मनाने की कोशिश हो रही है, राजद ने अकेले चुनाव लड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अमित, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, अल्टीमेटम दे दिया गया है और कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी संयुक्त सीटों की घोषणा भी कर दी है, ऐसे में क्या इस अल्टीमेटम का असर आप होता हुआ देख रहे हैं अमित, और क्या कांग्रेस और झामुमो फिर से बैठक के लिए राजी होंगे कि हम फिर से बैठकर बात कर रहे हैं और राजद की जो मांगे हैं उस पर हम पुनः विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी स्थिति आप बनता हुआ भविष्य में देख रहे हैं? जी बिल्कुल नवीन, लगातार जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को मनाने की कवायद जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन है, जो कांग्रेस है, जो जेएमएम के तमाम जो नेता हैं वो विफल दिख रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो मनोज झा ने एक बयान दिया था, बयान में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि यहाँ महागठबंधन धर्म का जो पालन है वो कांग्रेस और जेएमएम नहीं कर रही है। उन्होंने ऐसा इसको लेकर के भी कहा था कि जेएमएम की तरफ से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि कांग्रेस और जेएमएम जो है 70
62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाद बाकी 11 सीटों पर जो आरजेडी है और सीपीआई एमएलए तो आपस में सामंजस्य बनाकर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरजेडी है अपना जो तेवर है उसे और भी सख्त करते हुए नजर आ रही है। अब तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि हम बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। उनके मनोज झा, उन्होंने राज्यसभा सांसद जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 62 सीटों पे हम मदद करेंगे, लेकिन यही इन 19 सीट जो है, 19 सीट पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से फिर तेजस्वी यादव से भी बात हो रही है। कंटिन्यू जो है एक मनाने की जो कवायद है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कोई फलाफल निकलता वह नजर नहीं आ रहा है। नवीन बता दे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1:30 बजे, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे होना था, सब कुछ क्लियर होना था, क्योंकि मनोज झा जो कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद है आरजेडी से, उन्होंने कल क्लियर किया था कि 11 बजे तक कल हम सब कुछ क्लियर बता देंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और आरजेडी क्या कुछ फैसला लेगी। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम है अब बढ़ा के 1:30 बजे कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा 1:30 बजे तक कि क्या कुछ होने वाला है, आरजेडी क्या फैसला लेती है, चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लेती है या फिर गठबंधन में रह करके फिर चुनाव लड़ेगी। अब देखा जाए नवीन, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है वो भी सामने आ रही है कि आरजेडी जो है प्रेशर बना रही है कांग्रेस और जेएमएम पर। अब इसको लेकर के लगातार जो कवायद है तेजस्वी यादव को मनाने की चल रही है कि कैसे भी करके तेजस्वी यादव मान जाए तो फिर आगे की बात बने। वही सीपीआई की बात, भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले का भी तेवर जो है कहीं ना कहीं जो है वो करवा दिख रहा है। उनका भी कहना है कि हम इतनी सीटों पर एडजस्ट नहीं करेंगे। वही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 4 से 5 सीटें की बात चल रही थी, लेकिन कल मनोज झा ने क्लियर कर दिया कि कम से कम 12 भी सीट मिले तो हम आगे की बात सोचेंगे, लेकिन अगर उतना नहीं मिलता है तो आगे कुछ नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो है वो भी तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनको भी इंतजार है कहीं ना कहीं कि जल्दी से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और तमाम जो चीजें अभी तक जो है वो जल्द से जल्द क्लियर हो। हमारे साथ मनोज सर हैं, तो 1:30 बजे मनोज सर करेंगे, बहुत चंद घंटे बचे हैं बताने के लिए। है कि राजन में चर्चा है, चर्चा क्या है नहीं है वो सब अभी बोलना सही नहीं है। गिरनार से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं दिया आप लोग को, कुछ भी जानकारी हमको नहीं है, सब 1:30 बजे आपको मनोज सर बताएंगे। मैडम मिथिलेश ठाकुर भी आज नॉमिनेशन करने वाले हैं, कर रहे होंगे, बधाई हो। महुआ मांझी रांची से, उनको भी बहुत अध्यक्ष भी महुआ मांझी, राज्यसभा सदस्य महुआ जी को भी बधाई हो, वो मेरी पार्टी से नहीं है, वो मेरी पार्टी से नहीं है। आप साधु सन्यासी बनने आई है पार्टी में, वैसे है ही, आपको क्या लगता है कि शुरू से अभी तक सूली पे कौन चढ़ा है? सुकरात जग को जहर मिला, कृष्ण जेल में पैदा हुए, मसीहा को टांग दिया गया, हमारे लालू जी भी वैसे ही हैं, तो हम लोग साधु सन्यासी हैं, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि जहर देने की कोशिश कर रहे हैं झारखंड में? हम ऐसा कुछ नहीं कहे, हम ऐसा कुछ नहीं कहे। आपने कहा आप साधु सन्यासी हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम साधु सन्यासी हैं, वास्तव में हम लोग साधु सन्यासी हैं। चलिए, तो आपने सुना कि तमाम जो जो यहाँ नेता जो इंतजार कर रहे हैं वो काफ़ी नाराज दिख रही है कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारों को लेकर के। हालांकि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, प्रेस वार्ता नहीं होती है, तब तक कुछ क्लियर नहीं। चलिए ठीक है अमित, प्रेस वार्ता पर नजरें आप बनाए रखिएगा, पूरी नजर अब झारखंड की सियासत की उस प्रेस वार्ता पर जाकर टिकेगी कि क्या गठबंधन में सीटों पर रार खत्म होगा या ये रार आगे भी बढ़ेगा और ये इंडिया गठबंधन के लिए कितनी चुनौती आने वाले चुनावों में बनने वाला है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है, आज राष्ट्रीय जनता दल की एक अहम प्रेस वार्ता होनी है, इस प्रेस वार्ता के बाद चीजें स्पष्ट होंगी कि राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के चुनावी मैदान में अकेले उतरने जा रही है या इंडिया गठबंधन के साथ उतरने जा रही है।